एक शिक्षक यानी कि गुरु का दायित्व बहुत बड़ा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मानव समाज को सही दिशा दे सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं ऐसे 5 शिक्षकों यानी कि गुरुओं के बारे में जिन्होंने पूरे भारत को शिक्षा दी है और दुनिया में भारत को बड़ा बनने में मदद की है। चाणक्य। चाणक्य भारत के एक महान शिक्षक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर थे, जिन्होंने प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र लिखी थी और उनकी चाणक्य नीति दुनिया भर में जानी जाती है। वो तक्षशिला में पढ़ाया करते थे, जो कि दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। कहते हैं कि चाणक्य अपने विद्यार्थियों को बिना सुने और देखे बगैर लड़ने की कला भी सिखाते थे। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी शिक्षा से भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य बनाया, और इसीलिए कहते हैं कि अखंड भारत का श्रेय चाणक्य को ही जाता है। वो अपने ज्ञान और अनोखी रणनीतियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी 1863 में जन्मे स्वामी विवेकानंद की शिक्षा, उनकी बातें आज हमारे देश के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने अपना प्रभाव पूरी दुनिया में छोड़ा था। स्वामी विवेकानंद वो इंसान थे जिन्होंने अमेरिका में हिंदुइज्म और इंडियन कल्चर की महानता के बारे में बताया, वो भी तब जब पश्चिम में भारत को भूखे जंगली लोगों का देश माना जाता था। उनका कहना था कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको खुद ही कोशिश करनी होगी। कोई आपको नहीं बता सकता कि आगे कैसे बढ़े, आपकी रूह आपको खुद शिक्षा देगी। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म दक्षिण नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में सिद्धार्थ नाम से हुआ था। बुद्धिज्म को बनाने वाले गौतम बुद्ध ही थे जिनकी शिक्षा को आज दुनिया भर के लोग मानते हैं। वो एक आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया और अपनी महान शिक्षा से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ ने एक आलीशान जिंदगी जी, लेकिन 29 साल की उम्र में उन्होंने सारी शान शौकत छोड़ दुखों से मुक्त होने की तलाश में एक तपस्वी जीवन जिया। बुद्ध शब्द का मतलब ही होता है जागृत होना। गुरु नानक जी। 15 अप्रैल 1469 में जन्मे गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। वो हिंदू मुस्लिम की एकता को सपोर्ट करते थे। धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए उन्होंने सभी तीर्थों की यात्रा की और सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम की शिक्षाओं को मिलाकर एक नए धर्म की स्थापना की, जिसका मूल मंत्र था प्रेम और समानता। यही बाद में सिख धर्म कहलाया। सिखों की लेख गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक जी की शिक्षाओं पर बनी है। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने वैदिक विचारधारा को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उन्हें मेकर्स ऑफ इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक कहा था। महिलाओं को समान अधिकार जैसे कि शिक्षा और भारतीय शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार दिलवाने में महर्षि दयानंद का काफ़ी बड़ा योगदान था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।